ध्यान आपको अपनी दया से खींच रहा है, बुला रहा है, वैसे और कोई आने वाला नहीं। दया आता है तो मेरे यहाँ कोई न ठहरने वाला है, न रुकने वाला, न आने वाला। कितना बड़ा काम, जैसे पतंग आकाश में कितनी दूर चली जाए, अगर डोरी मजबूत है और खींचे पर को मालूम है तो वो डोरी से पतंग को समेट कर अपने पैरों के कदम पर टेका, पैर के मुंह पर टेका। इसी तरह संत महापुरुष जीव कितनी दूर पाया, क्योंकि ये जीवात्मा तो उन्हीं की है, अब वो मन के साथ बन गई और मन के कर्मानुसार जो मन करता रहा वो कर्मानुसार शरीरों में जाता रहा, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में, तो जीवात्मा बराबर साथ में लगी रही और देखती रही कि आखिरकार ये मन ऐसे कर्म क्यों करता है, इसका क्या लाभ उसे मिलता, तो बराबर देख रही, कह रही जन्म मरण के सिवा इसको कुछ नहीं मिला। अब वो प्रार्थना करती है कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते हुए कहा हम तो बड़े मतलब यानी परेशानी में हो गई कि मैं बराबर देख रही हूँ कि मन के साथ लगी हूँ, इसको जन्म हुआ फिर मर गया, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, ये जन्म मरण का चक्कर तो कभी मिटने वाला है नहीं। लिहाजा उसने मालिक से प्रार्थना की कि एक बार हमें मनुष्य शरीर का अवसर दे दीजिए। मनुष्य शरीर में जीवात्मा को मालिक से मिलने का पूरा अधिकार है, इसलिए वो मांग के ले आई। ऐसे आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला, वो जीवात्मा ने प्रार्थना अर्जी की है, उसकी अर्जी को मालिक ने सुना तो अवसर आपको दे दिया कि जाओ अब की बार हम तुमको मनुष्य शरीर का अवसर दे रहे हैं, जाओ आप किसी संत महात्मा की तलाश करना जो तुम्हारे घर का रास्ता जानती, उनको तलाश करना, उनसे मिलना और उनको अपनी सेवा और भक्ति निरंतर करके उनको प्रसन्न कर लेना। वो तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत सामान से प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हारी आंतरिक श्रद्धा सेवा भाव से प्रसन्न होंगे, उनको प्रसन्न कर लो और वो रास्ता दे देंगे और तुम्हें घर पहुंचा देंगे। वो ये काम तुम्हारा कर सकते, अन्यथा इस सृष्टि में ये तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता। तब जीवात्मा बिचारी मना रही मन को, निरंतर कह रही है, रे मन मन रे मान बच्चन एक मेरा, अरे मन मैं तेरे कहने से यदि मेरा वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे शरीर का कोई लाभ भोगना नहीं, कोई सामान लेना नहीं, कोई ये भोजन करना नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुझको अपना मित्र बना लिया तो उसके कारण मैं तेरे साथ बंधी हूँ। अब तू एक बार मेरा कहना मान ले कि चल सतगुरु दरबारा, चल सतगुरु के दरबार में चल और उनसे आज मिन्नत की जाएगी, वो दयालु है, वो जरूर तेरा कृपा करेंगे और तेरे मन को मोड़, मेरे मन तुझको मोड़ोगे, भोगों से मोड़ देंगे, अलग खड़ा कर देंगे और तुझे तेरे घर की तरफ लेकर के तेरे त्रिकुटी धाम जो तेरा मंडल मुकाम घर वहां पहुंचा देंगे। ये सब काम तेरा हो जाएगा अगर तू सदगुरु दरबार में चल। देखो कितना बड़ा अवसर आपको मिला, लेकिन आप बात को समझी नहीं पा रहे हो। इतना समय आपने मथुरा में गवा दिया लेकिन एक भी वचन समझ में किसी के नहीं। अगर वचन में वचन समझ में आता तो अपने गुरु को कोई नहीं छोड़ता, ऐसा मालिक तो कभी मिलता नहीं और मिल गया तो कौन छोड़ता। अगर उस मालिक की महिमा आप जान जाते हो, केवल आप शरीर मानते हो, हाथ पैर कान नाक मुंह मानते हो, ये वो नहीं है, ये तो मानव चोला धारण किया गया, क्योंकि सारी जीवात्माएं उसकी मानव चोले में है, तो अपनी जीवात्माओं को मानव शरीर से निकाल कर पहुंचाने के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया पंचभूत, बाकी उनका कोई शरीर का अंग वो भोगों से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल भोगों से अलग खड़ा, एकदम निर्मल पाक साफ।
तभी तो आपको लाभ दे पाएंगे। स्पर्श करके, दया करके तुम्हारे पर मतलब यानी कोई प्रसादी दे दे, कुछ आपको बना के दे दे, तो यही तो उनकी महिमा है। जो हम उस लायक नहीं है, हम जब कलयुग के जीव और फिर भी वो दया करके आपको ये दे रहे हैं, तो इसे ले लीजिए, नहीं फिर पहुंचाना पड़ेगा, फिर आप निकल नहीं पाओगे, सब एक गुमान गमन सब खत्म हो जाएगा। दो मिनट मार इतनी काल मार लगाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा, सब तुम्हारी गलती गाने हो जाएगी। इसलिए समय के पहले जागना, चेतना और समझ के पहले, समय के पहले जाकर खड़ा हो जाना और अपने रास्ते पर चल पाना, यही बुद्धिमान के लक्षण है। वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता जो समय से अपना काम बना ले, क्योंकि ये तो मालूम है सबको कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। एक बार ये अवसर आपको दिया गया, 83,99,999 योनियां जब आपने भोग की भोगी और जीवात्मा के अवसर मिला है मानव शरीर का, तब आपको ये अवसर मिला। इस अवसर का लाभ आपको ले लेना चाहिए। छूट जाओगे तो फिर पछताओगे, पता नहीं फिर रावण हुए न हुए, ये शरीर मिले न मिले, शरीर के जानकार संत महात्मा मिले मिले न मिले, दया करने वाले दयालु मिले मिले न मिले, और ऐसी दया करे न करे ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप मत समझो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिख के सब जीवों को इशारे में बता दिया, कबहु करि करुणा नरदेही देते इस बिन हेतु से नहीं, कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर शरीर आपको दे देते कि जाओ अब की बार इस शरीर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना, जीवात्मा को घर पहुंचा देना सदगुरु की मदद से, बिना उनके सहयोग के तुम उधर मुड़ी नहीं सकते, तुम में ताकत ही कहां, तुमने तो सारी शारीरिक शक्ति भोगों में गंवा दी, खत्म कर दी, नष्ट कर दी, अब तुम्हारे पास इतना भी नहीं बचा कि तुम अपने मन को मोड़ सको, मन पर कंट्रोल नियंत्रण कर सको, ये भी काम तुम्हारे बस का नहीं था। तो जीवात्मा को परमार्थी रास्ते पर खड़ा करना और इसको इसके घर की तरफ मोड़ के ले जाना और चलाना और सदगुरु की दया से इसको इसके घर पहुंचाना, ये काम हम सबको करना, हमारा असली काम यही है। लेकिन वो असली काम कैसे हो, ये पाप के बोझे लदे हैं, ये कर्मों के जो आपको निकलने नहीं देते, उसी कर्म बोझों से निकालने के लिए ये सस्ता रास्ता कि पहले शरीर इंद्रियां साफ हो जाए, पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, वो भी परमार्थी काम से, परमार्थी सेवा से, सेवा सेवा सामाजिक सेवा, बाल बच्चों की तो आप सभी लोग करते हैं, लेकिन परमार्थी सेवा नहीं। परमार्थी सेवा का मतलब जीवात्मा की सेवा, जीवात्मा मालिक से कैसे बने घर पहुंचे मिले ये कोई नहीं जानता, और इस सेवा के बारे में आपको बताया भी नहीं गया। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इंद्रियों की सेवा, यहां तक आप सीमित रह गए, लेकिन सूरज की सेवा, जीवात्मा की सेवा तो संतों ने जानी, उन्होंने की है और करके उन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक बनाया, लिहाजा उनके पास उसकी जानकारी है। इसीलिए कहा गुरु को खोज करो भाई, बिन गुरु राख कोई नहीं पाई, ऐसे समृद्ध सच्चे गुरु की खोज करो जो तुम्हारा काम बना दे, अपना काम बना ले और तुम्हारा काम बना दे, ऐसी की खोज करो, वो मिल जाएंगे और तुम्हारे पर दया कर देंगे, तुम्हारे भाव भक्ति सेवा भाव को देख करके, निर्मलता पवित्रता को देखकर तुम्हारे पर दया कर देंगे, तो ये तुम्हारा काम सहज में हो जाएगा। अगर एक गुमान घमंड में रहे तो भी समय आप निकल दोगे, फिर आप सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे और ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा।
जहाँ जाओगे वो हमारे पीछे जाओगे, क्योंकि मनुष्य शरीर एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा समय है कि इसमें आप अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर सकते हो और कोई शरीर पाकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जीवात्मा तो सब शरीरों में है। एक कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, कि मानो ये पंच भौतिक शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। चितिजल पावक गंगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से वो मालिक ने, परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर मंदिर बना के तैयार कर दिया और अपनी सच्ची मूर्ति इस मनुष्य मंदिर में बैठा दी। इसी को जीवात्मा कहते। ये मूर्ति है, ये चेतन मूर्ति, ये पत्थर कागज करने वाली नहीं, क्योंकि ये चेतन मूर्ति ही तुम्हारे शरीर को चेतन यानी चलाने का काम कर रही है। अगर जीवात्मा निकल जाए ये शरीर तुरंत मुर्दा हो जाएगा, सारे काम करना बंद, सारे भोग भोगना बंद, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये केवल एकमात्र जीवात्मा के द्वारा ये सब काम आप कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको नहीं मालूम कि शरीर को चलाता कौन। तुमको जो सिखाया गया दाल रोटी सब्जी दूध मक्खन मलाई की यही चलाती, अरे तो जल शरीर का सामान तो है, लेकिन जल भी बगैर चेतन के काम नहीं कर सकती। अगर चेतन जीवात्मा निकल जाए फिर ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, जड़ भोगों का प्रयोग नहीं कर सकता, किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकता, और तुम्हारी जमीन दुकान मकान इस जगह से पड़े रहेंगे और तुम खाली चले जाओगे। तो कुछ अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है, कुछ अपना काम बना लो। ये जमीन सबकी है और किसी की नहीं। जिसने काम कर लिया उसने जमीन को सार्थक कर दिया, जमीन भी उसको आशीर्वाद देती है कि तुमने हमको बहुत अच्छे यानी समय से अच्छे काम में लगा दिया, वो भी प्रसन्न होती है। लेकिन ये काम करेगा कौन? यहाँ तो दुकान और मकान, खेती और बाड़ी, इसके सिवा और कुछ जानते नहीं है। इस शरीर यानी इसी इस पृथ्वी का मतलब क्या है, इस जमीन का अर्थ क्या है? लेकिन जो इस जमीन पर परमार्थी काम करके यानी करोड़ों जीवात्माओं का भला और कल्याण कर देते हैं, वो ही धरती माता को सार्थक बना देते हैं, धरती माँ उनका भी गुणानुवाद करती है। यही तो आपको समझाया जा रहा, इसे कर लो, समय से अपना काम बना लो। तुम जमीन लेके जा नहीं सकते, एक इंच भी लेके नहीं जाएगी, अगर कहीं अच्छे सच्चे काम में लगा दिया तो जमीन भी आशीर्वाद देगी आप। उसके बदले आपको यानी मतलब लाभ तो मिल ही जाएगा, रुपये पैसे धन दौलत का वो तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ कि आपकी जमीन अगर परमार्थी काम में लग जाए जहाँ पर करोड़ों जीव आकर के लाभ उठावे, इसको लाभ मिलती है। क्या कोई जानता था इस बियाबान जंगल में इतने लोग आएंगे? ये किसी को नहीं मालूम था, कोई भी विद्वान ने आपको नहीं बताया होगा, किसी भी जानकार ने ये जानकारी आपको नहीं दी होगी। आपने गीता रामायण भागवत ये सब कुछ पढ़ा सुना, लेकिन ये जानकारी आपको किसी नहीं दी होगी। ये रामशाला की भूमि पर इतना बड़ा जनमत आ जाएगा जो दुनिया देखती रह जाएगी। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा जो आप बैठे हैं, ये रामशाला का नाम पूरे हिंदुस्तान में जाए। जो काम आप कभी रुपए पैसे से नहीं कर सकते वो काम आपका हो गया। अब वो ना समझो ना करो तो आपकी बात है। हम ये थोड़ी कहते हैं आप कर ही लो, लेकिन ये जरूर बताएंगे इसका लाभ क्या है, ताकि आप इस लाभ से वंचित रह जाए। किसी दोषारोपण किसी महात्मा पुरुष पर न कहे, भाई उसने क्यों नहीं बताया, छिपा क्यों क्यों रखा, उसको ये लाभ बताना चाहिए था। जमीन तो सबकी है और किसी के साथ नहीं जाएगी, तो सब लोग अपना काम बना ले, यही बुद्धिमानी है। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा ये काम कोई, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं।
जो आज आपके लिए कोई काम कर सकता, या ऐसे ऐसे लोग आए जो तुमको खरीद लेंगे, लेकिन यह मिट्टी ढो रहे, ये मिट्टी तुम्हारे देखने में, ये मिट्टी नहीं ढो रहे, ये अपने कर्मों का बोझा उतार रहे। इनको मालूम है कि हमारे पाप कर्म न पूजा से कटे, न पाठ से, न तीर्थ से, न व्रत से, न गंगा स्नान से, किसी से नहीं कटे। इतना सरल उपाय संत महात्माओं ने निकाल दिया कि जो जिस सर पर तुम काप पाप का बोझा लादे हो, जरा इस मिट्टी को रखे देखो, ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उन्होंने यहां तपस्या की, ये तपी हुई मिट्टी जब अपने सिर पे रखोगे, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को, यानी मतलब सब निकाल के बात कर दी। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, जब इसको समझ जाओगे तो जो नहीं कर रहे वो पछताएंगे, और जो रह जाएंगे वो रोएंगे बेचारे, ये हम कर ही नहीं पाए। तमाम लोग इसमें से शरीर छोड़ के चले जाएंगे जिनको ये वचन नहीं मिल पाए। जो आज आपको सुनने को मिल रहे, इसमें तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको ये समय के परमार्थी वचन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना तो यही है कि पता नहीं शरीर कब छूट जाए, तो शरीर छूटने के पहले अपना आप काम बना लीजिए। इस काम में कोई खर्चा आपका नहीं है, मैं तो कुछ किसी से कुछ लेता ही नहीं, ये मेरा काम है। ये पैसे लेकर ये काम थोड़ी होगा, ये तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा सेवा भाव पैदा करके, तुमको दीन बना करके, छोटा बनाकर, ये सब चीज तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दी जाएगी। अगर आप थोड़ा तैयार हो जाओ तो आपका काम जल्दी हो जाए। काम तो होगा, इसे रोक नहीं सकते, फिर आपको कई जन्म दिलाने पड़ेंगे। अगर अब की बार नहीं करो दूसरा जन्म, उसमें नहीं चेतोगे तो इतना सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। जो हाथ पकड़ लिया है तो जब तक जीवात्मा का कल्याण उद्धार नहीं करा देंगे वो पीछे हटने वाले नहीं। उनका काम ही है पकड़ने का, और पकड़ कर छोड़ने का काम नहीं। सिंह गहन सदगुर गहन, केला पर एक बार, त्रिया को हमीर हक चरे ने दूजी बार। ये दोबारा के लिए नहीं, एक ही बार होती, एक ही बार में अगर आप जाग जाओ, थोड़ा सा वचन को मान लो और पाक साफ पवित्र हो जाओ अंतःकरण से, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि रहते रहते काम बना। महापुरुष अपना काम करके चले जाएंगे, फिर आपको रोना बताना पड़ेगा, फिर कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। इस तरह का सहयोग खुला और सबके हित में, एकदम निष्कपट, कोई गरीब बुरा भाव, कोई मतलब किसी के प्रति छोटा बड़ा, ये का भाव नहीं रखती। अब वो जिसके जैसे कर्म है उसके साथ वैसी व्यवस्था को जोड़कर उसका काम करा दिया जाता, ये उनकी अपनी निजी व्यवस्था है कर्मों के अदायगी की, ये तो कोई यहां जानता नहीं है। तो इसीलिए समय के पहले आपको जानकारी दी जा रही है कि समय के पहले आप चेत जाओ, जाग जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। आज ये सत्संग का पहला दिन है, अभी 2 दिन बाकी रह गया। वैसे आप रहोगे तो सत्संग और भी चल सकता, वो तो आप पर है। अगर आप चाहो तो 2 दिन और बढ़ा लो, सत्संग सुन लो, सुन के जाओ। आखिरकार किराया भाड़ा खर्ची हो गया है, आप यहां आई गए हो, तो उस खर्चे से जितना लाभ मिल सके उतना लाभ आपको ले लेना चाहिए। क्यों, जो तुम ये कहते हो ये काम रह गया वो काम, अरे दुनिया के काम कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होगी, ये काम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे, आगे भी। इनको आपने न चढ़ाया है न आप इनको बंद कर सकते, ये तो चलते आ रहे, बराबर कम ज्यादा होता रहता।
इसलिए आप अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। तो समय रहते काम बना लीजिए, अच्छी बात है। तभी तो आज पहला दिन है, कल अभी और भीड़ होगी, परसों अपार भीड़ होगी। अभी दूसरा कार्यक्रम न होता तो फिर यहां जगह नहीं मिलती। सब रामशाला इधर इधर तिब्बा इधर सब छप सब प्रेमी एकदम छा जाती। इतनी भीड़ होती क्योंकि मैंने 65 दिवसीय काफला वो जो निकाला है बिहार और झारखंड का, कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों का, और इसके बाद तुरंत 39 दिवसीय एक काफला 11 जिलों का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इससे भारी जागरण हुआ है, करोड़ों का जागरण हुआ। अगर वो सब आ जाते तो यहां जगह नहीं मिलती। तो मैंने उसे दो भागों में बांट दिया। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बनारस के नजदीक मिर्जापुर होने जा रहा है, तो उधर बिहार और झारखंड और मध्य प्रदेश उधर तैयारी कर रहे हैं, वो तो आए नहीं थे। पूर्वांचल के लोग भी ज्यादातर उधर की तैयारी में, ये तो बहुत थोड़े लोग इधर पश्चिमी जिलों के जो आ गए हैं। तब भी आप इतनी भीड़ देख रहे हो, अगर वो सब आ जाते और जो 1 करोड़ जागरण पहले काफिले में और 2 करोड़ दूसरे काफिले में जो जागरण किया गया, अगर वो सब आ जाते तो यहां जगह नहीं मिलती, यहां जगह नहीं रहती। इन 4 करोड़ की भीड़ यहां कौन रोक सकता है, और कौन इतनी भीड़ आज के युग में इकट्ठा कर सकता है, और इतनी भीड़ को सुचारू रूप से एक सूत्र बंधन में एक आवाज में बांधकर कौन बैठा सकता, कौन खड़ा कर सकता, ये आज के लोगों को सोचना चाहिए। ये किसी के बस की बात नहीं है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकता। इतने लोगों को ये बियाबान जंगल में कोई बैठा नहीं सकता, और कोई बिना चंदा बिना सेवा लिए इतनी धार्मिक बड़ी संस्था हो, लेकिन इतने लोगों को निस्वार्थ रात्रि में जंगल में बैठा नहीं सकता। ये अद्वितीय दृश्य है जो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये सब देखिए, यहां पर ये लगे हुए यंत्र ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में पहुंचा रहे हैं। कहे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, देख लो कि सच्चाई क्या है, संत दरबार किसे कहते, संत दरबार का लाभ क्या है, संत दरबार में जाने वाले प्रेमियों का निस्वार्थ भाव क्या है, ये सब दिखाया जा रहा है। ये ऐसा अनोखा इतिहास बन रहा है जो कभी नहीं रहा, कभी भी कोई नहीं बना पाया। ये छोटी मोटी बात तो समझो, इतने आदमी किसी के पास हो, हिंदुस्तान में किसी के पास इतने लोग, और ये कितने सीधे साधे। ये कोई तोड़ फोड़ आंदोलन आंदोलन कोई धरना गिराओ ये मार काट करने वाले नहीं। ये प्रेम प्यार मोहब्बत करना, अनुशासन में रहना, सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम करना इनको सिखाया जा रहा है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं इतने लोग हैं, आप जान दो जरा सा इशारा कर दे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचे। ये आस पास के गांव सब मिला दो, इतने लोग नहीं है जितने यहां पर आ गए। तो यहां ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, यहां शिक्षा पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने के लिए। सब इंसान हो, सारे इंसान परमात्मा के बनाए हुए हैं, और सबको इंसानियत मानवता में रहकर एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के भूले भटके रास्ते से निकालकर सही सच्चे रास्ते पर चलाना, उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना, ये पाठ आपका है। इस पाठ को पढ़ लीजिए, तुम दुनिया को समझ दे दूंगे, सारी दुनिया एक दिन तुम्हारे पीछे चल पाएगी, तुम्हारे इसे यानी मतलब अनुशासन को, तुम्हारे प्रेम सेवा भाव को ये सारी दुनिया मान लेगी। आप देखते जाइए, ये भारत विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनेगा, उसी की तो तैयारी है और आपको देखने को मिल भी रहा। ये काम कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ। इस तरह से प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने वाले, इस तरह से सेवा भक्ति करने वाले, तो
तुमको आप कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं आप चलेगा, क्योंकि ये जंगल में किया जा रहा है। पहले लोग कहते थे बाबा जी वो धार्मिक स्थलों पे कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, अब तो ये बियाबान जंगल है, यहाँ तो कोई कस्बा भी नहीं जो सामान मिल जाए, एकदम निर्मल जंगल। और इस जंगल में इतने प्रेमी आ गए, ये समय की अनोखी बात है, इसको देखकर सब दादे तले अमृत आ रहे, और वो मुंह से कुछ कह भी नहीं सकते कि उनको कहने की भी शक्ति नहीं है कि मैं क्या कहूं इनको, ये कैसे लोग हैं। अरे इतने लोग किसी शहर से निकल जाए सारा शहर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी सड़कें जाम हो जाएंगी, कोई आदमी निकल नहीं पाएगा। और इतने प्रेमी जंगल में बैठे सड़कों से आए हैं, ये कोई आसमान मार्ग से उड़के नहीं आ गए, इनको आप देखिए। मैंने सारे प्रशासन को निमंत्रण दिया, कोई नहीं कह सकता, चाहे पुलिस का कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे वो कचहरी का हो, मतलब यानी सबको मैंने आमंत्रित निमंत्रित किया और हमेशा करता रहूंगा, ताकि आगे आने वाले भविष्य में आप हम पर दोष न लगा सको। हम तुमको दोषी बना देंगे लेकिन आप हम पर दोष नहीं लगा सकते। मैं बराबर निमंत्रण कार्ड भेजता रहता हूँ कि आप आइए, जिस व्यवस्था की तुम कामना करते हो, जिसकी तुम तनख्वाह लेते हो, वो व्यवस्था तुम्हारे बस की नहीं है, वो व्यवस्था संत महापुरुषों के हाथ में है, उसको आके आप देखिए कि अनुशासन किसे कहती, डिसिप्लिन किसे कहती, आप देखिए तो आप, तुम्हारे बस का काम है नहीं है सब, तो आपको भी सोचना पड़ेगा। प्रेमी हो जो तुम काम कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, वो सारी सृष्टि की अनोखी सेवा है। इस समय तो कोई परिश्रम करता ही नहीं, परिश्रम सब भूल गए, और मैं यही तो दिखाना चाहता हूं। तुम कहते लोग परिश्रम भूल गए, और हम कहते कोई परिश्रम कराना जानता नहीं, और परिश्रम का परमार्थी लाभ किसी के पास है नहीं, इसे आप नहीं समझ पा रहे। यहां आके देखिए कि लोग कैसे परिश्रम करते, जो रुपए पैसे देकर आप एक डलिया मिट्टी इनसे नहीं भरवा सकते। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सब विभागों के लोग हैं, एक से एक मतलब यानी बड़े एक से एक छोटे सब, आप और सब एक ही रास्ते पर चल रहे, एक ही सूत्र बंधन में बंधे ये सेवा कर रहे। ये देखिए अगर छोटे बड़े का भाव होता तो ये मिट्टी नहीं घुसती। इसमें बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी जिनको आप पहचान नहीं सकते हो, जो मिट्टी ढो रहे, इनसे पूछिए, संपर्क करिए कि भाई क्या लाभ आपको मिलता, आपको तो लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, क्या उससे ज्यादा ये लाभ, तो ये बताएंगे आपको ये तो मिट्टी के बराबर, ये लाखों करोड़ों रुपए मिट्टी के बराबर जो लाभ यहां मिलता वो कोई नहीं दे सकता। तब लोगों की समझ में आ रहा, और आश्चर्यचकित बेचारे, लेकिन वो कर नहीं सकते, वो भी इतने आराम तलब हो गए, उनके अंदर भी देश सेवा समाज सेवा चली गई, सच्चाई ईमानदारी से बहुत दूर खड़े हो गए, लिहाजा व्यवस्था बिगड़ गई है। इस बिगड़ी व्यवस्था को कोई इंसानी शक्ल ठीक नहीं कर सकती, चाहे जितने चुनाव करा डालो, चाहे जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन अभी मानवता इंसानियत का काम कोई नहीं कर सकता, वो तो सब समाप्त हो चुका, अब इनके बस की बात नहीं। इसलिए आपके सामने आवाज लगाई गई हुई है, संत राज भारत मां, अब बचाए बचिए ना, बाबा अजय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, सब आपको देखने को मिलेगी। आप धीरे धीरे अनुभव करते जाइए, लगे रहिए, अपने मन को पवित्र बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मन के हारे हार मन के जीते, मन से हार गए तो कभी खड़े नहीं हो पाओ। इसने इसने बहुत हराया आपको, भोगों में बताकर आपको बहुत हराया तीन तीन युगों से, लेकिन आज संत महापुरुष
आपके मन को भी मौका दे रहे कि ऐ हारा हुआ मन, अब तू जीत जा, तेरी जीत की बारी आ गई, ऐसा समय फिर तुझे कभी नहीं मिलेगा। पहले बात समझिए आप, जय सत्संग सुन रहे हो, ये जिसकी भूमि है उसको भी लाभ मिल गया, ये लाभ पाने का अधिकारी वो भी बन गया। जमीन तो उसकी पड़ी रही, उनको जमीन थोड़ी ले लिया, लेकिन जो लाभ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, कितना बड़ा लाभ इनको मिल गया, ये अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन लाभ मिला। जिसकी भूमि पर इतना बड़ा ये परमार्थी संदेश हो रहा, तो सारे विश्व के जागरण का, सारे विश्व को लाभ देने वाला, सारे विश्व को जीवात्मा को आध्यात्मिक परमार्थी लाभ देने वाला ये संदेश हो रहा है, तो जमीन धन हो गई, ये जमीन भी धन हो गई, आगे ये तीर्थ बन जाएगी। आप अभी क्या समझते हो, जंगल से ये हो गया इससे वो हो जाएगा? कभी सोचते थे कि आप जंगल में मंगल होगा, जंगल में शहर कदमा बच जाएगा, जंगल में इतने लोग आ जाएंगे, जो मतलब यानी तमाम जीरो को मिलाकर उतने लोग नहीं है, ये भी तो आप नहीं जानते थे। ये हो गया, अब वो भी हो जाएगा, जिसके लिए जन्म इकट्ठा किया जा रहा है वो भी आपके सामने करके दिखा दिया जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आपको लाभ मिल जाए, क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिल जाए, यहाँ के जीव भाग्यशाली है जो इस गांव में आपका जन्म हुआ, लेकिन उस भाग्यशीलता का लाभ तो आप ले लो। उसका क्या लाभ है, जन्म तो सबका हुआ, लेकिन जो नाम रामशाला का आज सारे हिंदुस्तान में जा रहा, सारा हिंदुस्तान ले रहा, ये तो तुम अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी अपने गांव का नाम नहीं कर सकते, और फिर भी तुम लाभ न ले पाओ तो फिर ये तुम्हारी भूल है, ये तो तुम्हारी भूल होगी, या समुद्र में रह के तुम कैसे ही बने रहे, ये आपको सोचना चाहिए। जल में रह के अगर मैं मछली प्यासी बनी रही तो फिर जल बाहर मिले, आप ऐसे समागम में आए हो, समागम आपके पास आया, तुम्हें चल के नहीं जाना पड़ा, जब कोई चीज लेनी होती तो चल के जाना पड़ता, आज वो चीज तुम्हारे पास आ गई, निश्चित तुम्हारा कोई भाग्य है, इसलिए आपको इसी जगह पर जन्म हुआ कि संत महापुरुषों को तुम्हारे लिए खुद आना पड़ा और खुद ये व्यवस्था बना के खड़ी करी। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग। देखो हमारा खड़े होने का मतलब कुछ और है, खड़े तो आप रोजी होते हो, बैठते भी रोजी, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा खड़ा होने का उद्देश्य है, अब तुम सच्चे अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान काम को करने के लिए खड़े हो जाओ, अब समय आ गया। सुख सदा रहता नहीं, दुख का भी अंत है, अब ये दुख का विसर्जन होने वाला, इसी दुख को कलयुग कहते, एक कलयुग जाने वाला, लड़ाई झगड़े खत्म होने वाले, पारस्परिक राग द्वेष समाप्त होने वाला, गंदा खान पान, जीवों की हिंसा और हत्या, लोगों के गंदे घाव विचार, चोरी डकैती कत बलात्कार, ये सब समाप्त होने वाला है, अब एक अच्छे समय का प्रादुर्भाव होने वाला, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है।
बहुत थोड़ा समय बचा, लेकिन जब ये दोनों आपस में टक्कर मारेंगे तब कितना, यानी मतलब महाभारत बड़ा हो जाएगा, कितने अरबों खरबों लोग चले जाएंगे टक्कर में। उस कलयुग सतयुग की टक्कर से बचाने के लिए ये शाकाहार का अभियान जो सारे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा, अगर आप कुदरत की भारी मार से कलयुग सतयुग की टक्कर से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अभी आप लोग हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। अभी तो बहुत छोटी बात और बड़ा लाभ, साकार का अर्थ तो बहुत निश्चित है, लेकिन फिर भी आप जिस केवल काबिल हो, जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको अभी केवल ही कहा जा रहा साकारी बन जाओ, फिर कहा जाएगा सदाचारी बन जाओ, फिर देखा जाएगा कि आप पाक साहब निर्मल तो आप ब्रह्मचारी बन जाओ। जैसे तीनों गुण आप में आए वैसे देश की व्यवस्था बदल जाएगी, सारे हिंदुस्तान की व्यवस्था, और हिंदुस्तान बदलेगा सारा विश्व बदलेगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा सारा भारत बदल जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, इसलिए अभियान उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से ही ये प्रारंभ किया गया है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ज्यादातर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इसी भूमि को उसने पसंद किया और इसी पर उसने जन्म लिया है। कोई एक आध मिसाल प्रमाण के लिए विदेश में, बाकी सब उत्तर प्रदेश में। इतनी ये पावन पवित्र भूमि भगवान को प्यारी, और आपने वो भी गंदी कर दी और निरंतर गंदा कर रहे हो। अरे चलो अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए तो कोई अच्छा काम कर लो, ये तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो लोग दर्शन कर चुके वो तो शांति के साथ अपने अपने ट्रेन काउंटी दे रूम चलो, आपने बहुत मेहनत की, वैसे मेहनत तो आपकी, तुम्हारे सारे पाप कर्मों की अदायगी के लायक कभी नहीं है, पाप ज्यादा है परिश्रम कम, बहुत कम नहीं के बराबर नहीं है। और इतना आप लादे बैठे कितने जन्मों से, लेकिन धीरे धीरे अगर छोटी व्यवस्था से ये पापों की बड़ी व्यवस्था का यानी काम हो जाए, पाप कर्मों को उतार दिया जाए, इससे सरल और क्या है। अगर ये सरल आप नहीं कर सकते फिर कभी नहीं कर, ऐसा अवसर कभी आपको नहीं मिले। यहां तो समझाने वाले आए और नहीं माने तो मार काट दिया, माफ नहीं किया, लेकिन आज तो आपको माफी मिल रही और निरंतर पल पल हर कदम पर माफी मिली। जो काम करने आया इतना बड़ा दयालु है और दयालु दया का इतना बड़ा भंडार लेके आया, तुम्हारे सारी सृष्टि के जीवों के पाप को अपनी दया के द्वारा निवारण कर देगा, ये सब काम खत्म हो जाए। और ये काम कहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं आप चले जाओ, कितने मजे धर्म है और कितने मतलब यानी राजनीति घाटियां पार्टियां, लेकिन ये काम कोई नहीं, जो यहाँ जंगल में हो रहा है कोई नहीं कर सकता। इसको आप देखिए, हमको अखबार रेडियो के प्रसारण की आवश्यकता नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं अकर्मण है, जो मतलब यानी तो वो उसका सहारा लेते, लेकिन मैं अपने इस काम को करने के लिए अपने सदगुरु की दया से पूर्ण सक्षम हूं और करके दिखा दूंगा आपको। ये सब आप देखते जाइए, कितने लोग आ गए कितने और आ जाएंगे ये आप देखते रहिए। अभी मैं जगह जगह ये भीड़ लगा रहा हूँ तो भीड़ बंटवारे में है, अगर एक जगह में आमान कर दूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह नहीं जहां सब लोग आ जाए, ये करोड़ों लोगों को ठहरने की जगह कहीं नहीं। ये सब आपको विचार, अब आप लोग इस सत्संग का महाप्रसाद ले लीजिए, जो कोई नहीं देगा आपको, प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता, प्रसाद बनाने की क्षमता किसी के अंदर नहीं, प्रसाद वो बनाता है जिसने अपने सद्गुरु को
उनके आदेश हुकुम का पालन करके उन पर अपने आप को पूर्ण छावर यानी मतलब सरेंडर करके अपने आप को जिसने रख लिया वो ये काम कर सकता। तो किसी वस्तु में जल वस्तु में अपने मालिक की दुआ दया शामिल करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ उसके बस का है, इसलिए आज हिंदुस्तान में ये लाभ कोई नहीं दे सकता। मैंने सब जगह घूमकर ये महाप्रसाद बांटा, मैंने देखा कि भारी यानी मतलब खराबी का समय आ रहा, बड़ी बड़ी भीषण भयानक बीमारियां जानलेवा बीमारियां आ रही जिसमें गांव के गांव शहर के शहर मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं निकला है तो कोई न कोई कहने वाला बचाने वाला हमदर्दी करने वाला होना चाहिए। आप महाभारत को देखिए इतनी बड़ी शिक्षा मिलेगी, सारे उस समय बड़े बड़े मौजूद थे लेकिन किसी ने धर्म की बात अच्छी सच्ची बात ईमानदारी की बात न्याय की बात कहने के लिए जब कोई नहीं बचा, लेकिन उस समय भी एक भी सुरक्षित था वो थे महात्मा बिंदु। तो महात्मा का काम, ये महात्मा काम करते जब कोई नहीं करता, इसलिए वो महात्मा विदुरी बचे बाकी सब मालिक। इन्होंने समय से धर्म की बात सत्य की बात न्याय की बात सच्चाई की बात ईमानदारी की बात नहीं मतलब कह पाए और नई व्यवस्था बना पाए वो सब मारे गए, क्योंकि उनको पूरा अधिकार था, अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वो मारे गए। केवल महात्मा विदुर बचा था क्योंकि उसने ऐसे अधर्मी राजा और अधर्मी काम से उसने इस्तीफा दे दिया। आज तो कोई बुरे काम से इस्तीफा देने वाला नहीं, बुरे काम की तरफ से कोई अटने वाला दिखाई नहीं, सब उसी में शराब और रोते चले जा रहे। क्या राजा का प्रजा सब उसी में जुड़ गई, लिया जा प्रलय का समय आपने लाके खड़ा किया, आपने प्रलय को निमंत्रण दिया है, लेकिन महात्मा प्रलय को नहीं चाहती, वो तो बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानोगे तो फिर तुम काल के काल में चले जाओगे, फिर उनका इसमें क्या दोष। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, जिन लोगों ने ले लिया है प्रसाद या अपना सेवा भाव प्रकट कर लिया है तो आप कर ले लें, और बाकी जिनको नहीं मिला है वो ले ले, यही जरूरी सबसे बड़ा संदेश। तो आप भूल जाओगे, मैं पांच पांच छह छह घंटे आठ आठ घंटे बोलता रहा, मैं मतलब काफिले के दौरान बाईस बाईस घंटे बोलता रहा लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तब हमको ये सूक्ष्म व्यवस्था अपनानी पड़ी कि थोड़ा सा संदेश आपको मिल जाए जितना आप याद रख सको, और आज ये प्रसाद को ले लिया। सेवा तो आप कर ही रहे हो तो काम आपका हो रहा, और ये काम अलग से कि प्रसाद मिल जाए तो शरीर को शक्ति मिल जाए, ताकत आ जाए, बीमारियों से शरीर आपका मुक्त हो जाए, उसके लिए प्रसाद ले लीजिया जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जय गुरुदेव। चलो आप लोग विश्वास अप्रेमियों और सेवा बंद कर, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। जो आप ये कर रहे हैं या किया है ये बहुत सराहनीय है। आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा, देश विदेश भी आपको देख रहा कि भारत जैसे धार्मिक मुल्क में ये संत महात्माओं का काम बिल्कुल अनोखा, एकदम विलक्षण बेमिसाल। इसको आप देखिए, जिस दिन पूर्ण आहुति पड़ेगी उस दिन सारा विश्व का चौंध हो जाएगा, एक भारी धमाका होगा पूर्ण आहुति में। जो 23 जून समय निर्धारित किया गया है, कोई न कोई राह जरूर इस तारीख में, और पूर्ण आहुति 23 जून को होगी। आप सबको मौका दिया जाएगा, अपने अपने बुरे पाप कर्मों का प्रायश्चित करो, और ये आहुति यानी ये प्रमाण आधार जो बनाया गया
इसको सामने रखकर ये संकल्प लो कि आज मैं अग्निदेव के सामने ये संकल्प ले रहा हूँ, जैसे ये सामग्री डालकर जला रहा हूँ ऐसे अपने बुरे पाप कर्मों को भी जलाने की आहुति डाल रहा हूँ। मालिक हम सब पर दया करी। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए, चलो जल्दी से वितरण कर दो, आप जल्दी से आ जाइए ले लीजिए। जिनको मिल गया है वो तो अपना इन ड्राउटी में चले आराम करें। आराम करने के बाद उल्लाना तुम करके कुछ समय भजन में जरूर थे, साधना में जरूर समय दो, जिसके लिए मानव जीवन मिला और जिसके लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मेरा लक्ष्य उद्देश्य भजन कराने का ही, और मेरा कोई लक्ष्य कोई राजपात धन मान सम्मान अधिकार पाने का नहीं है, केवल हम सब जीवात्माओं का उद्धार कल्याण हो जाए और हम सब पर सदगुरु की मान दया कृपा हो जाए, उनके दया मिल जाए तो काम जल्दी हो जाए, ये इच्छा रखनी चाहिए। जय गुरु। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, अब ये इंसानों के बस का काम नहीं था, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति, ये किसी के बस की नहीं रही है, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, ये सब आपके सामने करके महापुरुष दिखा देंगे। हमें आपको लगे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, विचारों में गंदगी नहीं आनी चाहिए, नजरों में गंदगी नहीं आनी चाहिए, सुनने में गंदगी नहीं होनी चाहिए, करने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक प्रकाश यानी सत्य का अनुभव ज्ञान भान आपको नहीं हो पाएगा। अब आप प्रसाद ले लीजिए, चलो प्रवीण जी से। जय गुरुदेव। देखो ये अभियान बंद नहीं होगा, कर्मों की अदायगी का ये 6 बजे आपको सुबह, फिर अपनी सेवा में लग जाना, फिर समय से आपको सत्संग मिलेगा और प्रसाद मिलेगा। जैसे जिस दिन पूर्ण आहुति होगी वो दयाल प्रभु के दयाल बाग में, ये पूर्ण आहुति 23 जून की, 1 साल पूरा हो जाएगा, उसका वर्षगांठ ये मनाई जा रही है, तो वहां अपना टोली बाई टोली जाएंगे और मतलब यानी आहुति दे करके फिर वापिस आ जाए। ये सब नहीं एक बार की, आप सेवा करिए, आप सब एक बार की पूजा कर भी नहीं सकते, इतनी जगह वहां कहा कि एक बार की आप करो तो आपकी सेवा भी ना बंद हो और वो भी काम आप करो। यहाँ हर काम का ध्यान रखा जाता कि कोई घड़ी कोई पल घड़ी आपका बेकार न जाने पावे, यहाँ आए हो तो यहाँ कुछ लाभ लेके जाओ, कुछ काम करके जाओ अपना, तो सेवा का काम बराबर चलता रहेगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, आप जगह बना रहे उनके बैठने की, उनके भजन करने की, तो कितना बड़ा काम आप करें कि तुम्हारी बनाई व्यवस्था पर लोग भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, क्या इससे बड़ा और कोई लाभ है, तो कितना बड़ा लाभ है, इसको ध्यान में रखिए। आपका इससे कोई स्वार्थ नहीं, ये भी लोग देख रहे हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं,
ये केवल आदेश हुकुम का पालन करते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ इनका बन रहा है कि जब स्वार्थ है ही नहीं तो परमार्थ मिलेगा, परमार्थ बनेगा आपका, यही तो सच्ची अच्छी बात है। तो ये सेवा आपकी बराबर चलती रहेगी। कुछ लोग दयालवाद, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं मिट्टी नहीं ढोल सकते हैं, आप दयालवाद चले जाओ, वहां का घास फूस है पेड़ों का वो थोड़ा निकाल दे आप, वहां भी सेवा है, वहां भी आप चले जाइए। ये सब काम आपका है, आपके लिए, हमारा इसमें कुछ नहीं, एक इंच जमीन मेरे नाम नहीं है, ये कभी आप शंका मत करिए। महात्मा जमीन के लिए नहीं आते और न किसी काम में फंसने के लिए आते हैं, बल्कि फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए आते, उनका बिल्कुल अलग काम है। ये सब तुम्हारे लिए है और तुम्हारी व्यवस्था तुम्हीं को सौंप दूंगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने काम की जरूरत है। सदगुरु के वचनों को पूरा करने की चिंता जरूर है, बाकी कोई चिंता नहीं, बाकी कोई चिंता मेरे मन में नहीं है, उनके वचनों की चिंता जरूर है, कब पूरे हो, कैसे पूरे हो, लोगों में विश्वास हो जाए तो उनके वचनों की पूर्ति की व्यवस्था भूमिका मैं भी लगा हूं, उनके आदेश हुकुम का पालन कर रहा हूं, जो मुझे आदेश देते मैं वही काम करता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं, और आपसे भी उस काम को करने की प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी उसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव। लोगों जब संदेश हुआ करे तो अपने अपने मोबाइल को खोल के रखा करो, ये वचन किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान सुनते सुनते आप फंस के रह गए, निकल नहीं पाए, अब ये शब्द ज्ञान जो करनी का करनी के बाद जो अनुभव होता वो चीज और आपको दी जा रही है, शायद में आप ले लीजिए। चलो प्रेमी जल्दी से चलो, चलो इससे काम पूरा कर लीजिए। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर लें, ये करना मत भूले, यहां सब मुफ्त का लाभ है, कोई आपको अर्चा खर्चा नहीं देना, और वो काम हो जाएगा जो रुपए पैसे धन दे के आप नहीं करा सकते, ये सब झंडा कर रहा, झंडे का काम छोटा मोटा मत समझिए, ये चमत्कारी झंडा है, ये विश्व विजेता, विश्व की विजय इसी से होती, भारत की विजय, भारत को विश्व गुरु बनने का अधिकार यही झंडा देगा, और किसी झंडे से भारत को विश्व गुरु की उपाधि नहीं मिलेगी, ये जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे से मिलेगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये विश्व का अद्वितीय अनोखा विलक्षण झंडा, झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, आपको संपूर्ण अधिकार मिलेगा जीने का, सुरक्षा का, न्याय का, रोजी रोटी का, ये सब अधिकार आपको दिलाएगा झंडा। ये झंडे को आप केवल कपड़ा मत समझिए, इसमें जो लिखा है उन बचनों को उन अक्षरों को देखिए, जय गुरुदेव प्रभु नाम, ये प्रभु नाम का झंडा, यानी प्रभु ही ये सारे काम करेगा और कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। लोग सारे झंडे अपने अपने नाम के लगाए, अपनी पार्टी अपनी पहचान के लगाए, ये प्रभु नाम का झंडा, प्रभु की पहचान का, और प्रभु ही करता धरता है सारी सृष्टि का, वही काम करता है, वही बिगड़े को बनाता यानी सुधारता, ये सब काम प्रभु का, इसलिए ये झंडा एक अनोखा झंडा, तभी तो इसकी प्रदक्षिणा करके, इसकी परिक्रमा करके आपको कितना बड़ा लाभ मिले, कितने भूत प्रेत उतर जाए, कितनी बीमारियां चली जाए, अगर आप सही तरीके से बचनों को अपना लो, ये सब काम आपका बिना पैसे, आप कंगाल हो गए, डॉक्टरों को पैसा देते, बीमारियों से मुक्ति नहीं मिली, ये झंडा वो भी काम आपका करें।
लेकिन जितना आप अंदर से पाक साफ होते जाओगे उतना लाभ आपको मिलता जाएगा। जय गुरुदेव। जाओ जाओ देखो, अगली बार से लड्डू नहीं मिलेगा तो उसी बार नहीं।